अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज एक हंगामी तौर पर इंडियन तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि ये तैयारा दिल्ली से बम्बे के लिए प्रवास कर रहा था, लेकिन इसमें फनी ख़राबी हो गई जिसकी बिना पर इस तैयारे को हंगामी तौर पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया गया है। अब तक की जो इत्तलात हैं, इंजीनियर्स इसकी फनी ख़राबी का जायज़ा ले रहे हैं। इसके अंदर 138 मुसाफर सवार हैं। मुसाफरों को तैयारे से बाहर नहीं निकलने की इजाज़त दी गई, तैयारे के अंदर ही मौजूद हैं मुसाफर, लेकिन इस तैयारे को हंगामी तौर पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया गया है। इंजीनियर्स में से कुछ का कहना है कि फनी ख़राबी की कुछ वजूहात का पता चला है, यानी इसके जो फ्यूल है वो उसमें लीकेज बताई जा रही है, और इसमें इंजीनियर अपनी जो पेशा वराना जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि इसमें आया कितनी जल्दी ये फनी जो ख़राबी इसमें पेश आई है वो दूर हो सकती है। बहरहाल इंडियन मुसाफर तमाम महफूज हैं और तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर लैंड किया गया है। जैसे ही इसकी फ़नी ख़राबी दूर होगी तो फिर इसमें फ़ैसला होगा कि क्या आया यही तैयारा जाएगा या किसी दूसरे ज़राए से या ज़रिए से मुसाफरों को भारत मुंतकिल किया जाएगा। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। ये एक न्यूज़ आई थी तो हमने सोचा कि आपकी खिदमत में इस न्यूज़ के जो असल फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, वो पेश की जाए। यानी याद रहे कि इंडियन एयरलाइन का तैयारा हंगामी तौर पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है।